चंद दिन पहले एक मरीज हुआ जो कि दिल का मरीज था, और उसे जब यहां से रोहित सुल्तान से शिफ्ट करना पड़ा फैसलाबाद की तरफ, तो एम्बुलेंस ना होने की वजह से वो मरीज जो 18 साल तक नहीं पहुंचा, वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूरल हेल्थ सेंटर रोहित सुल्तान में, जिस रूम के सामने मैं खड़ा हूँ, ये रूम जो है बहुत ही खास है। इसमें जो है ये एम्बुलेंस खड़ी है, और ये एम्बुलेंस कोई 1 साल से नहीं बल्कि 3 से 4 साल से यहाँ पर खड़ी है, और वो ख़राब होने की वजह से खड़ी है। बड़े अफसोस की बात है कि 4 से 5 साल हो चुके हैं इस एम्बुलेंस को खड़े हुए, और यहाँ पर बंद खड़ी है, ख़राब खड़ी है, लेकिन किसी ने ये सहमत नहीं की कि आम आखिर तक पता तो करें कि ये क्यों खड़ी है। देखने को मिलता है कि ये रूरल हेल्थ सेंटर रोहित सुल्तान है, जहाँ पर तकरीबन कुछ 5 से 6 जो है मौजा जात जो है यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं, जिस तरह कोट मुराद और उनके साथ साथ हस्सू बरेल और फतेहपुर पट्टी, और अगर हम इस साइड पर आए तो उचगुल इमाम और हस्सू बरेल, और यहाँ के लोग जो हैं और साथ टिब्बा गहली, यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पर आकर जो है मुफ्त मरीज दे के आते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये एक पास वाला इलाका भी कहा जाता है, और यहाँ पर काफ़ी लोग वही हैं यहाँ पर रहते हैं जो गरीब लोग हैं, और ये इस रूरल हेल्थ सेंटर में जो है ये एम्बुलेंस 4 सालों से बंद पड़ी है, और यहाँ के लोग जो है जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है जब यहाँ से मरीज जो है शिफ्ट किया जाता है जंग की तरफ या फिर फैसलाबाद की तरफ, तो उनको ये मुश्किलात होती है कि यहाँ पर एम्बुलेंस ना होने की वजह से वो फिर जरूर होते हैं, कभी कुछ गाड़ी में कभी कुछ गाड़ी में, लेकिन इसकी वजह से। अगर दूसरी बात करने जा रहा हूँ कि चंद दिन पहले एक मरीज हुआ जो कि दिल का मरीज था, और उसे जब यहाँ से रोहित सुल्तान से शिफ्ट करना पड़ा फैसलाबाद की तरफ, तो एम्बुलेंस ना होने की वजह से वो मरीज जो है 18 साल तक नहीं पहुंचा, और ये रोड की खस्ता हाली की वजह से वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। अफसोस की बात है, हमारे सियासतदान जो हैं वो जब इलेक्शन के दरमियान वोट मांगने आते हैं तो वो बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में नहीं सोचते। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम गुजारिश करना चाहते हैं अपने सियासतदानों से, एडवाइजर सीएम पंजाब नवाब फैसल हयात खान जवाना जो कि यंग स्टार वर्कर हैं, और उनसे उम्मीदें भी हैं कि वो इस काम को जरूर सुनेंगे और इस पर जरूर बात करेंगे, और इनके साथ जनाब साहबजादा महबूब सुल्तान साहब से, और जो रोहित सुल्तान के बहुत ही सीनियर लोग हैं जो सियासतदान हैं जो वर्कर हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आखिरकार इस बारे में भी सोचा जाए ताकि ये लोग जो है जिन हालात से गुजर रहे हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। अपने मेज़बान ज़ीशान अलवानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।